बंगाल में वोट के लिए जंग में धर्म युद्ध छिड़ गया है। मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है, तो जवाब में राम, माँ दुर्गा और देवी सरस्वती के जय घोष भी हैं। सबके अपने अपने वोट देवता हैं और सबके अपने वोट धर्म हैं। शंखनाद, बंगाल में धर्म युद्ध। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। और जेल टेल देखी प्लीज, आमादेर भय देखा बिन्ना, आमादेर मेरुदंड भेंगे दो तो सहज नय। जय श्री राम का नारा, माँ दुर्गा का सहारा। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहाँ पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? चिदो असुर देर दले हजारे हजारे लोग और माँ दुर्गा एका दस हाथे नहीं। दीदी या भाईजान, मुसलमानों पर घमासान। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूँ तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? जितना वादा किए थे उतना तो वादा कंप्लीट नहीं हुआ। वो एक लड़का है, फुलपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा। चुनावी कर्म है लेकिन बंगाल में सब कुछ धर्म है। बंगाल के चुनाव में मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम के नारे बनाम जय सियाराम और माँ दुर्गा के पीछे भी मुस्लिम फैक्टर ही काम कर रहा है। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यकों को रिझाने की कोशिश में लगी है, तो ममता इस फ्रंट पर भी बीजेपी को टक्कर देने में जुटी है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया, ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोला गे आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, मतलब दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बढ़ा ही है। जहां 2011 के विधानसभा चुनावों में 41% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता को वोट दिया, वहीं 2016 में 50% का साथ मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 70% मुस्लिम वोटर्स ने ममता की ही पार्टी को वोट दिया। मुस्लिम फैक्टर का ही कमाल रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल में ममता की झोली सीटों से भर दी गई। सिर्फ 9 जिलों से टीएमसी को 22 में से 19 सीटें मिली। अगर विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो 138 सीटें बैठती हैं और ये सीटें हैं 9 जिलों की। कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, बर्दवान, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर, ये 9 जिले बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर पाएगी? जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टिकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है इसकी। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता की 11 योजनाओं का लाभ भी इन्हीं परिवारों तक पहुंचाया जाता है। फुलपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको सेकुलरिज्म का साथ में है जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता नहीं, है? हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। इस बार ममता का खेल बिगाड़ने में ओवैसी और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुट गए हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट टीएमसी से जितना छिटके, बीजेपी की किस्मत उतनी चमकेगी। दशकों तक बंगाल की राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण की धुरी पर टिकी रही। चाहे वाम हो, कांग्रेस हो या टीएमसी, बंगाल की राजनीति पर हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति हावी रही। लेकिन जब से बीजेपी ने जय श्री राम की राजनीति शुरू की, बंगाल की राजनीति में तुष्टिकरण के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी हावी होने लगी, जो आगे चलकर बीजेपी के राम और टीएमसी की दुर्गा में तब्दील हो गई। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
वैसे कभी मुस्लिम वोट लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी में बढ़ते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वोट बैंक पर ममता का एकाधिकार बढ़ता गया। इस बार लेफ्ट कांग्रेस पीरजादा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये मोर्चा कुछ कमाल दिखाएगा, ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगा? कभी कांग्रेस बंगाल में बड़ी ताकत थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार उनके नेता ही बंगाल से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस की अजीब स्थिति है, केरल में लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो बंगाल में ममता के खिलाफ लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की महारैली है, लेकिन राहुल गांधी ही मंच से नदारद रहेंगे। इनिशियली बोथ द पार्टीज, कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज, हैव अ सेट इन motion the electoral alliance and we were riding very smoothly pore moncho ta toiri kora hoyeche moncho age amra toiri kortam 32 by 24 ebar korchi 32 ebar korchi 50 by 24 tab eta korchi ei jonno je emni onek gulo party ache ditiyo to hocche amader gap dite hobe covid protocol ta mante hobe স্বাভাবিকভাবেই মঞ্চটা বড় হয়েছে। ইস কংগ্রেস লেফট কে গঠবন্ধন কে সাথ ভি এম ফ্যাক্টর ভি জুড়া হ্যায়। গঠবন্ধন কা এক সাথী ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট হ্যায়, জিনমে মুখিয়া পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী কভি মমতা কে সমর্থক থে, লেকিন ইস বার চুনৌতি দে রহে হ্যায়। পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী কা 120 মসজিদো পর আসর হ্যায়, কংগ্রেস অর লেফট কা মুসলিম ভোটারো পর আচ্ছি খাসি পেট রহি হ্যায়। ইয়ে মোর্চা মুসলিম ভোটো মে সেন্ধমারি করতা হ্যায়, जो सीधा सीधा ममता की पार्टी पर चोट होगी। बट छोटा हमरा टेबिले तुले छिलाम आलोचनार मध्ये দিয়ে এটাই উঠে আসছে যে একটা একটা করে বিষয় আলোচনা হোক, এখন আইএসএফ এর সঙ্গে যে আপনাদের যে সিটের আলোচনা সেটা সমাধান হোক, পরবর্তীতে ওই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে। রাজনৈতিক ইতিহাস মে শায়দ পহলি বার লেফট ফ্রন্ট আপনা ব্রিগেড কিসি দূসরে পলিটিক্যাল পার্টি কে সাথ ভি শেয়ার করনে ওয়ালি হ্যায়। কংগ্রেস কে সাথ সাথ আব্বাস সিদ্দিকী জো फुरफुरा शरीफ के पीरजादे हैं, उनके पॉलिटिकल पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के हाथ पकड़कर कांग्रेस और लेफ्ट आज अपना पब्लिक मीटिंग करेंगी ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में। लेकिन फुरफुरा शरीफ में फूट से ममता को थोड़ी राहत मिली है। फुरफुरा शरीफ के दूसरे नेता तोहा सिद्दीकी ने ममता से मुलाकात कर संकेत दे दिया कि मुसलमानों में ममता की पैठ खत्म होने वाली नहीं है। अब देखना है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खेमे तक कितना मुस्लिम वोट खींच पाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट को भी भारी झटका लगा। कांग्रेस तो सिर्फ 2 सीट तक सिमट गई, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी है और पीरजादा अब्बास की पार्टी भी है। सभी का अपना जनाधार रहा है, अब देखना है कि ये तिकड़ी कुछ कमाल भी दिखाती है या फिर किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने तक ही सिमट जाती है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी के परंपरागत मुस्लिम वोटर्स को नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों पर अच्छा खासा प्रभाव है पीरजादा का, खासतौर पर उत्तर दक्षिण 24 परगना और हुगली में। ऐसे में अगर पीरजादा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के साथ जाते हैं तो ममता बनर्जी को होने वाला नुकसान और बड़ा हो सकता है। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।